विज्ञान आणि तंत्रज्ञान मंत्री हर्षवर्धन यांनी वैज्ञानिकांनी राष्ट्रीय रसायन औद्योगिक संशोधन प्रयोगशाळेच्या विविध सुविधांचं उद्घाटन केलं आहे. देशातील विविध प्रयोगशाळांना 2022 पर्यंत लक्ष दिलं गेलंय. जेव्हा आम्ही स्वातंत्र्याचा प्लॅटिनम जयंती साजरी करू, सरकारकडे सध्या निधीची कमतरता नाही, प्रयोगशाळांनी प्रकल्प सादर करावा आणि त्यासाठी निधी उपलब्ध करून देण्यात येईल असं मत यावेळी हर्षवर्धन यांनी व्यक्त केलंय. सक्सेप्टेबल और मेजरेबल और प्रभावी जो है आंकड़े जो है उनको बताने के लायक थे. ये नहीं कि सरकार ने कोई स्कीम बना दी, स्कीम बनाने के बाद जो है उसको कैसे चल रही है, क्या चल रही है. पहले भी बहुत सारे सूत्री नाम के कार्यक्रम चलते थे, कोई 20 सूत्र चलता था, कोई 5 सूत्र चलता था, लेकिन उनका सूत्र क्या है और उन सूत्रों में क्या अचीवमेंट हुआ है वो भी लोगों को ठीक से न दिखता था न पता होता था. लेकिन अगर आप प्राइम मिनिस्टर के कार्यक्रमों का पिछले 5 साल में सरकार का छोटा छोटा ऊपर से ही विश्लेषण करेंगे तो हर उनकी 15 अगस्त की स्पीच का विश्लेषण करिए, उसके बाद उस अगली 15 अगस्त को आए तो उन्होंने जो कहना शुरू किया उसके बारे में उन्होंने क्या किया. ये सैनिटेशन के बारे में जब 2014 में 2 अक्टूबर को उन्होंने बात करना शुरू किया था तो